सेकंड ईयर का मौसम, छोटी छोटी लीचियां लगी हुई हैं, क्या अभी खा रहा है, फ्रेश फ्रेश पत्ते, बाकी बकरियां मुंह देख रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली पौधों को 24 घंटे वेट करवाने के बाद हम इन्हें प्लांट कर रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर। ये कल शाम को मैं लेके आया था और मैंने रखे थे इधर और सुबह इधर, धूप काफी थी तो मैंने इन्हें उठा के इधर छांव में रख दिया और पानी भी लगा दिया था। दिन के वक्त काम ढेर सारे होते हैं और प्लस शाम को थोड़ी सी ठंड भी हो जाती है ना, इसलिए ये बेस्ट टाइम है पौधों को प्लांट करने का। तो देखे ये हमने गड्ढा वगैरह बड़ी अच्छी तरह मारा, अभी हम वहां साथ लगा रहे हैं ताकि ये टेढ़ा ना हो। इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा टेढ़ पान है ना, तो इंशाल्लाह ये बांस के साथ हम बांधेंगे तो जब ये ग्रो करेगा ना तो इसका ये टेढ़ पान निकल जाएगा। चलें जी यार यासिन भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के मिट्टी डाल लें जी। तोफी को हमने एक वीडियो में बड़े बाड़े में छोड़ा था ना इसके दोस्तों के पास, लेकिन जिस दिन हमने छोड़ा था ना हमने उसी दिन गौर किया यार ये ना म्यूकिस फेंक भी थी अजीब सा, तो एहतियाती तौर पे इसे उसी दिन मैंने बाड़े से निकाल के दोबारा इधर बांध दिया था। तो मैंने सोचा यार अभी एक दो हफ्ते और इधर बंधी रहे, जब ये अच्छी तरह साफ हो जाएगी ना अंदर से और म्यूकस फेंकना बंद कर देगी तब इसे मैं बड़े बाड़े में बड़ी बकरियों के साथ छोड़ूंगा। प्लस जैसे हमने इसे छोड़ा ना तो बकरा भी इसके पीछे पड़ गया था, तो अभी 2-3 माह इससे ब्रीड नहीं हमने करवाना ना, ये अच्छी तरह थोड़ी हेल्थ पकड़ ले उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसे मैं ब्रीड करवाऊंगा, इसने भी इसे इधर बांधा हुआ है। यार भाई एक ट्रेजेडी होगी, ये पौधे गलत निकले यार, ये बकाइने निकली है, जबकि मैं वो वाले पौधे ले गया था जिनकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है ना, वो होते तो बकाइन की तरह ही है लेकिन उनकी छांव बड़ी गनी होती है और उनकी छतरी सी बांध जाती है बड़ी प्यारी। तो यासिन भाई कह रहे हैं कि जो हमारे बाबा जी है ना उन्होंने कहा कि ये वो चीज नहीं है, ये बकाइने हैं, इनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो मुझे तो वो नहीं ना चाहिए यार। तो मैं तो वो वाली लेके आया था जिनकी हाइट छोटी रहे और छांव ज्यादा गनी हो, तो अभी एक लगवा ले और यासिन भाई को मैंने रोक दिया कि यार दूसरी ना लगाओ, मैं उस नर्सरी वाले के पास जाऊंगा और उससे दोबारा कन्फर्म करके आऊंगा क्या ये वही चीज है, अगर तो वो है तो ठीक है मैं कल प्लांट करवा लूंगा, अगर ये वो वाली चीज नहीं है ना तो फिर इसे मैं वापस कर दूंगा और वो वाली चीज लेके आऊंगा और बाबा जी को साथ लेके जाऊंगा ताकि वो पहचान करके लेके आए। अभी मैं इस बकरों के सेक्शन और आज इधर जो बकरे ना जिनकी टांगे टेढ़ी है जैसे कि ये है, इनकी हूफ ट्रिमिंग आज मैंने दोबारा की है, इनकी टेढ़ी टांगे सिर्फ हूफ ट्रिमिंग ना होने की वजह से हुई थी ना, तो इसलिए अब मैं इनके हूफ की बार बार ट्रिमिंग कर रहा हूँ ताकि ये सीधी हो जाए। हालांकि अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने इनकी ट्रिमिंग की थी और आज जब मैंने देखा तो इनके हूफ इतने खराब हुए पड़े थे ना, इतने टेढ़े हुए पड़े थे, पता नहीं क्या बात है यार इनके हूफ इतने जल्दी क्यों खराब हो जाते हैं। हालांकि बकरियों के हम जब हूफ ट्रिमिंग करते हैं तो साल साल उनके हूफ सही रहते हैं। एक ये यार इसकी तो माशाल्लाह टांगे सीधी हो गई है, बस ये इसका भाई है, अल्लाह करे ये भी टांगे सीधी कर जाए ना। आज देखे माशाल्लाह दोस्तों ये टांगे सीधी करके खड़ा, सिर्फ एक ये वाली टांग इसकी टेढ़ी है यार, अभी 2 माह है तो अल्लाह करे यार ये भी टांग दूसरी सीधी कर जाए ना। दूसरा भाई तो इसका ठीक हो गया, चले अगर ये ना भी करेगा तो खैर है, एक है इसे मैं अपने पास खा ही रख लूंगा। ये दोस्तों वो फीमेल जिसकी रात को तबीयत खराब थी ना, अभी देखे माशाल्लाह इसने ढेर सारा चारा खाया, ये देखिए अभी भी खा रही है यार, अभी ये फिट है, रात को ये बड़ी प्रॉब्लम में थी। ह्यूमन बूस्टर की एक डोज इसे मैंने दोपहर को ही दे दी थी, अभी इंशाल्लाह नया साशे मंगाऊंगा तो एक साशे इसे मैं कम से कम और पिलाऊंगा। वंडा तो आज इसने नहीं खाया और ना ही हमने इसे खाने दिए, चारा इसने अच्छी तरह खा ली। ये है दोस्तों वो डॉग जिसे हम छोटे होते स्लॉटर हाउस से लेके आए थे ना और इसकी मदर से मिलाया था, अभी देखिए कितनी बड़ी हो गई। ये और इसके 2 भाई थे जिन्हें हम लेके आए थे स्लॉटर हाउस से शदीद सर्दी में, तो इसका एक भाई तो चला गया ना इधर से, कुछ बच्चे उसे उठा आगे ले गए और एक भाई इसका मर गया, ये बच गई थी। इन शीट्स को तो दोस्तों आप पहचानते ही होंगे, ये शीट्स हमारे लिए हैं ड्रोना ख्वाब, ये पैक ही पड़ी हुई थी और आज हमने इन्हें निकाला और इन पे डाल लिया सरसों ड्राई होने के लिए। पिछले साल हमने इन शीटों पे इतनी हे बनाई है ना कि इन शीट्स से हमें डर लगने लग पड़ा था, लेकिन आज फिर इन्हें देख के ना इधर यार वो पिछले साल वाले डरावने दिन याद आ गए। पिछले 5 साल से मैं हे बना रहा हूँ लेकिन अभी इस साल मैंने तौबा कर लिया, हालांकि जो लूसन है वो जाया हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा हो गया वो गल रहा है, लेकिन मैंने तौबा कर ली, मैंने कहा यार मैं हे नहीं बनाऊंगा, इतना मैं फैडअप हो गया था पिछले साल इतनी हे बनाई थी। ये देखिए जी इतना ज्यादा लूसन बड़ा और इससे फूल निकल रहे हैं, ये जाया हो रहा है, ये हे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस साइड पे भी देखे माशाल्लाह ये सेकंड ईयर का लूसन और इसकी इतनी ज्यादा हाइट है ना, लेकिन भाई मैंने तौबा किया कि हे नहीं बनाऊंगा। ये फ्रेंड्स हमने लीची का दरख्त लगाया था और इस साइड पे देखे यार बाहर के मौसम में इतने जबरदस्त दरख्त फूटे है ना, बिल्कुल जंगल बना हुआ है। मैंने तो सोचा यार इसके साथ कोई फल फूल नहीं लगेगा, लेकिन इस मरतबा इसके साथ लग गए हैं फल,
तो ये देखिए माशाल्लाह छोटी छोटी लीचियां लगी हुई हैं यार, कितनी प्यारी लग रही हैं। अभी देखते हैं बड़े होके कैसी शेप अख्तियार करती हैं, मीठी होती हैं या कैसी होती हैं। असल में इसके इस साइड पे ये शीशम का इतना बड़ा दरख्त हो गया ना, तो इसकी वजह से इसके ग्रोथ पे असर पड़ रहा है। इसके अलावा ये माल्टे और आड़ू वगैरह पता नहीं किस किस चीज के दरख्त मेरी अम्मी ने लागे लगाए हैं, इनके साथ अभी तक तो फल नहीं लगा। आलू बुखारे के भी दरख्त है इसमें, ये मेरे ख्याल से सिट्रस के हैं पौधे तीन, इनके साथ अभी तक तो फल नहीं लगा। देखते हैं ये इस मरतबा फल देते हैं वरना हम इन्हें उखाड़ ही देंगे यार, क्योंकि 2 साल हो गए इन्हें इसी तरह लगे हुए इधर। कल शाम को दोस्तों काम इतना था ना, तो मैं वो जगह ही नहीं विजिट कर सका जहाँ मैं सुबह सुबह गिरा था ना अंधेरे में। तो अभी मैं जा रहा हूँ और आपको भी दिखाता हूँ वो जगह जहाँ मैं ओंधे मुँह गिरा था और मेरा सारा मुँह जब मड से भर गया था। ये 6 नाल का फील्ड है बैक साइड पर, इससे उस दिन पानी लगा हुआ था। इस साइड पे देखे शहतूत को इतना ज्यादा फल लगा हुआ है कि इसकी टानी ये सारी झुक के जमीन के साथ लगी हुई है यार। इसका भी हमने बिल्कुल बारीक सा छोटा सा पौधा ला के लगाया था, लेकिन अभी इसका तना देखे कितना मोटा हो गया और माशाल्लाह जबरदस्त दरख्त बन गया और इतना ज्यादा इससे इस मरतबा फल लगा ना यार। आप देखे किस तरह शाखें झुकी हुई है फल के वजन से इसकी, लेकिन ये फल सारा जाया जा रहा है ना, ना तो हम इसे खा पा रहे हैं। ये है भी इतना ज्यादा, हम इस सारे को खा भी नहीं ना सकते, तो ये सारा जमीन पे गिर जाएगा। जब ये बिल्कुल इसका सारा फल गिर जाएगा ना, तो इंशाल्लाह फिर इसकी ये टहनी ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। उस सुबह दोस्तों मैं इधर से नीचे उतरूं दीवार के साथ और ये खाना इतना बड़ा मैंने फलांगा है, और जैसे ही मैंने इस फील्ड में पैर रखा ना, ये देखिए इधर मैं गिर गया। फिर इधर से पौधे भी सारे मसले पड़े है ना, तो सारे भाई इधर आ गए थे टॉर्च लेकर, हमने इधर उधर देखा 10-15 मिनट। ये बरसीन का फील्ड है यार, ये पता नहीं कब फारिग होगा और यहाँ पे मैं बकरियों की ग्रेजिंग करवाऊंगा। इसके अलावा माशाल्लाह देखिए ये गंदम भी पककर बिल्कुल तैयार है और जबरदस्त सुनहरी कलर का, देखिए कितना प्यारा फील्ड लग रहा है। बहुत जल्द इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी ना, तो ये फील्ड भी खाली हो जाएगा। इसके अलावा उधर एक एकड़ फील्ड है गंदम का, वो भी खाली हो जाएगा, तो इनशाला बकरियों की जबरदस्त ढेर सारी ग्रेजिंग हो जाएगी। कितने दिन हम उन्हें इंशाल्लाह ग्रेजिंग पे निकालेंगे, पर सीन में भी उनकी ग्रेजिंग कराएंगे और इंशाल्लाह गंदम के फील्ड में भी वो भागेंगी दौड़ेंगी, उनकी टांगे स्ट्रेच होंगी। ये सरसों हमने आज ही काट के धूप में सूखने के लिए डाली हुई है, बहुत जल्द इंशाल्लाह इसमें से दाने निकल आएंगे और फिर इसमें से ऑयल निकलेगा। ऑयल तो शायद मुझे ना मिले, लेकिन ऑयल के बाद जो खल निकलती है ना, इंशाल्लाह वो खल मैं बकरियों को खिलाऊंगा। ऑयल तो हम घर में यूज कर देंगे, लेकिन खल बकरियों के काम आएगी और इंशाल्लाह ये खल भी बड़ी जबरदस्त होगी। ये गोभी सरो है जो मीठी होती है, इसका ऑयल भी मीठा होता है और इसका कलर भी बड़ा जबरदस्त होता है, रेडिश होता है। वैसे तो जो सरसों का ऑयल होता है वो पीले रंग का होता है ना, लेकिन ये गोभी सरो से जो ऑयल निकलता है ना वो रेडिश कलर का होता है। ये देखें यार, इसके हमने हालांकि इतनी केयर नहीं की, कोई खाद वगैरह नहीं डाली, तो इसलिए दाना इतना मोटा हुआ ही नहीं है यार, बिल्कुल बारीक दाना है। लेकिन ये है प्योर देसी है बिल्कुल ना, तो जो देसी चीज होती है ना वो छोटी होती है, उसका साइज छोटा ही होता है। बकरा ढेर सारा चारा खा के अभी खा रहा है फ्रेश फ्रेश पत्ते पिलकन के। पिलकन के पत्ते देखे जैसे आर्टिफिशियल कलर नहीं होता, इतना ब्राइट कलर है, और ये देखे माशाल्लाह एंजॉय कर रहा है क्योंकि इसकी आर्ट सबसे बड़ी है ना। बाकी बकरियां मुंह देख रही है अभी, इसने ट्राई की कोशिश की है ये गानी वाली ने, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रही है ना। 2 साइड से तो बकरी ने गमला तोड़ दिया, अभी ये तीसरी साइड और फिर चौथी साइड से भी इसने तोड़ देना। ये गानी वाली यार प्रेगनेंट है और इसके हाल चेक करें, ये देखे यार ये क्रेजी है यार, ये बकरी ना अल्लाह अल्लाह करके प्रेग्नेंट हुई है। लेकिन हरकतें इसकी देखे बिल्कुल बच्चों वाली, अभी ये सिर्फ देख ही सकती है इन पत्तों को, इधर तक इसका मुंह नहीं ना जा रहा, बेचारी हसरत से देख रही। रात हो गई है ऑलमोस्ट, अंधेरा छा चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ घर खाना खाने के लिए। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।